मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे इज आर इंग्लिश पीरियड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन फोर द नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश ठीक है नर्मदा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है ठीक है जीवन रेखा इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की ओके नर्मदा नदी के बारे में आपने सबने सुना होगा है ना तो यहाँ पर ये जो लेसन है इसमें नर्मदा नदी खुद अपने बारे में पूरा वृत्तांत सुनाती है ओके सो लेट्स स्टार्ट आई एम द रिवर नर्मदा आई एम प्राउड दैट आई फ्लो इन इंडिया वेयर अ रिवर इज कॉन्सिडर्ड एज अ लिविंग बींग एंड इवन मोर देन दैट पीपल वर्शिप रिवर्स एज गॉड इज गॉड इज इज हियर ठीक है नर्मदा नदी बोलती है कि मैं रिवर नर्मदा हूँ है ना और मुझे प्राउड है कि मैं इंडिया जैसे प्लेस पर बहती हूँ जहाँ रिवर को भी क्या समझा जाता है लिविंग विंग समझा जाता है ठीक है और यहाँ तक कि लोग जो है वो नदियों को देवी समझकर देवी के रूप में पूजा करते हैं देर आर मैनी होली रिवर्स इन इंडिया सच एज इंडिया में कई सारी पवित्र नदियाँ हैं जैसे कि गंगा द यमुना द ब्रह्मपुत्र द सिंधु द गोदावरी द कावेरी द कृष्णा द सतलज एट्सेट्रा और भी कई हैं है ना पीपल जो है मुझमें क्या करते हैं पवित्र स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र या शुद्ध महसूस करते हैं ओके मैं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हूँ लोग मुझे माँ नर्मदा के नाम से पुकारते हैं है ना एंड मैं भी लोगों की क्या करती हूँ एक माँ की तरह देखभाल करती हूँ ठीक है मुझ में बहुत साल भर बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है है ना और मैं स्टेट के जो मेजर पार्ट है है ना कई सारे उनको इरिगेट करती हूँ या उनको सिंचित करती हूँ नाउ टर्न ओवर द पेज आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड द सतपुरा माउंटेन्स मैं किन कहाँ किन के बीच में बहती हूँ विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन के बीच में बहती हूँ और लोग मुझे मध्य प्रदेश की लाइफ, लाइफ लाइन कहते हैं ओके माई नेम हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग नर्मदा हु शूट्स एंड गिव्स प्लेजर्स टू ऑल नर्मदा नदी बोलती हैं कि मेरा नाम जो है उसका बहुत खास मीनिंग है नर्मदा जो क्या करती है लोगों को सुख प्रदान करती है एंड आनंद देती है सबको ठीक है पीपल जो मुझे मतलब लोग मुझे रेवा भी कहते हैं रेवा के नाम से भी पुकारते हैं एंड मैं वेस्ट वर्ड मतलब पश्चिम की ओर बहती हूँ ठीक है एंड मेरा जो पानी है या मैं किससे जाकर मिलती हूँ गल्फ़ ऑफ खम्बात में मिलती हूँ ठीक है वहाँ जाकर गिरती हूँ अदर रिवर्स जो है वो किस ओर बहती हैं साउथ वर्ड या ईस्ट वर्ड बहती हैं लेकिन मैं वेस्ट वर्ड बहती हूँ ठीक है आई हैव बीन डेपिक्टेड इन मैनी होली बुक्स मेरी कई सारी पवित्र पुस्तकों में या धार्मिक पुस्तकों में, में मेरा वर्णन किया गया है और नर्मदा पुराण मेरे बारे में पूरा डिटेल में बताती हैं यू विल श्योरली लाइक टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ माई बर्थ फिर वो बोलती हैं कि आप जरूर मेरी कहानी मेरे जन्म की कहानी सुनना पसंद करोगे है ना एक बार लॉर्ड शिवा जो थे वो मेकाल पर्वत श्रृंखला पर ध्यान में मग्न थे ठीक है उन्होंने ध्यान में कई सारे साल गुजार दिए फिर उनका जो शांतिपूर्ण या सुखदायक जो स्प्लेंडर था या वैभव था उसने एक सुंदर मैडन का रूप आ, या मैडन मीन युवती है ना जो कुंवारी होती है ना लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं होती उनको कहा जाता है ठीक है उसका रूप धारण किया एंड ये कौन थी सुंदर युवती ये मैं थी कौन मानरमदा ओके okay? मैंने भगवान शिव को प्रणाम किया उन्होंने अपनी आँखें खोली और मुझसे कहा कि मेरा जो क्रिएशन है मेरी जो रचना है वो इतनी सुंदर है कि उन्होंने क्या किया कि उनके हृदय में कोमलता की प्रवृत्ति को प्रेरित किया ठीक है तभी से मुझे किस नाम से जाना गया नर्मदा इसीलिए मुझे नर्मदा कहा जाता है है ना मैंने उनसे पूछा या कहा ओ फादर ओलाओ मी टू रिमेन अ मैडन एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर ठीक है नर्मदा कहती हैं कि मैंने उनसे कहा ओ oh फादर मुझे ऐसा वरदान रहो दो कि मैं हमेशा एक युवती ही रहूँ ठीक है और मैं मतलब कुंवारी रहूँ है ना और मैं ऐसे ही फ्री होकर स्वतंत्र होकर हमेशा घूमती रहूँ और कैसी रहूँ हमेशा शुद्ध रहूँ ठीक है तो भगवान ने भी मुझे आशीर्वाद दे दिया और अपनी आंखें बंद कर ली तभी से मैं माउंटेन्स वैलीज एंड प्लेन्स में बहती रहती हूँ ठीक है उछलती कूदती रहती हूँ खेलती रहती हूँ है ना एंड लोग जो है मुझे मेरे किनारे पर आते हैं तो मुझे इस तरीके से देखते हैं ठीक है और मुझ में स्नान करके वो अपने आप को पवित्र समझते हैं ठीक है और सोचते हैं कि जिस तरीके से मैं पवित्र हूँ ठीक है इसी तरीके से हमारे भी सारे पाप क्या हो गए धुल गए आई हैव माई ऑरिजिन फ्रॉम द पर मेकाल रेंजेस देयर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस नेम्ड अमरकंटक नियर अनूपपुर फिर माँ नर्मदा कहती हैं कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है मेकाल पर्वत श्रृंखला से हुई है है ना यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटिफुल प्लेस है जिसका नाम क्या है अमरकंटक जो कहाँ पर है अनूपपुर के पास है अमरकंटक से मैं एक मतलब सॉर्स या कुंड के रूप में प्रकट होती हूँ है ना और इस कुंड का नाम मेरे नाम पर पड़ा है नर्मदा कुंड नर्मदा कुंड से मैं एक सकड़ी धारा के रूप में बहती हुई है ना कहाँ पहुँचती हूँ उस स्थान पर पहुँचती हूँ जहाँ पर कभी कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था यहाँ पर लोग मुझे दूधधारा के नाम से जानते हैं एंड मैं क्यों क्यों जानते हैं क्योंकि यह पुकारते हैं धारा के नाम से क्योंकि मैं दूध की तरह सफ़ेद हूँ ठीक है अमरकंटक से मैं डिंडोरी मंडला एंड जबलपुर ठीक है वहाँ की ओर बहती हूँ या वहाँ से होकर गुजरती हूँ बेड़ाघाट जबलपुर में जो मेरा मेरे जो किनारे हैं वो मार्बल रॉक से या संगमरमर से सुशोभित है एंड लोग जो है वो वर्ल्ड में जगह जगह से आकर वर्ल्ड से आकर मुझे देखते हैं ठीक है मेरी चट्टानों से जो बहता हुआ पानी है है ना उसको देख खुश होते हैं जो लोग मेरी सुंदरता को पूर्णिमा की, की रात में देखते हैं है ना वो अपना सब कुछ जो दुख है सब कुछ भूल जाते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि वो भगवान के धाम आ गए हैं ठीक है बेड़ाघाट के ऊपर से मैं एक अद्भुत वाटरफॉल का रूप धारण कर लेती हूँ या वाटरफॉल बनाती हूँ ठीक है एंड ये जो फॉलिंग फौ, वाटर है वो हवा में पानी की बूंदों की तरह उड़ता है कैसा दिखाई देता? देता है हर जगह फॉग दिखाई देता है ठीक है और इसी को क्या कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है ठीक है इस प्लेस से मैं कहाँ जाती हूँ नरसिंहपुर रायसेन होशंगाबाद हंडिया एंड नेमावर एंड नेमावर में मेरी आधी यात्रा जो है वो ख़त्म हो जाती है सेठानी घाट होशंगाबाद में एंड जो महेश्वर का जो घाट है ठीक है वहाँ पर क्या है देवी अहिल्याबाई का एक हम्बल पैलेस है एक महल है बहुत ही सुंदर जिसकी अपनी खुद की सुंदरता है अपना खुद का महत्व है ठीक है ओंकारेश्वर भी मेरा मत मतलब, मेरे किनारे पर दूसरा इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस है मतलब तीर्थ स्थान है बिसाइड्स दिस इसके अलावा आ, मेरे नर्मदा जी बोलती है कि मेरे ऊपर कई सारे डैम बनाए गए हैं जैसे पुनासा में जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है कौन सा डैम है इंदिरा सागर डैम है ना एक डैम गुजरात में है उसका नाम क्या है सरदार सरोवर डैम लोग जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलता है इससे इरीगेशन के लिए और ये वो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करते हैं ठीक है एंड इंदौर जैसे बड़े शहर में भी जो वाटर सप्लाई होता है वो मुझसे ही होता है धार एंड बड़वानी को क्रॉस करके मैं महाराष्ट्र में प्रवेश करती हूँ देन वहाँ से गुजरात में और गुजरात में कई सारी नदियों से नदियाँ मुझसे मिल जाती हैं ठीक है थीके? और यहाँ पर मेरा रोग विशाल हो जाता है यहाँ से मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू करती हूँ गल्फ़ ऑफ खम्बात में जाकर मिलती हूँ जो कहाँ पर है विमलेश्वर है इस तरीके से अमरकंटक से लेकर विमलेश्वर तक की जो मेरी यात्रा है वो कितने किलोमीटर की है टोटल वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड टेन किलोमीटर्स की ठीक है कई सारे लोग मैन वुमेन यंग एंड ओल्ड ये सब जो है मेरी यात्रा पर आते हैं मेरी परिक्रमा करते हैं ठीक है और वो इसको होली परिक्रमा कहते हैं एंड बहुत महान तीर्थयात्रा समझते हैं और अपने जीवन की बहुत बड़ी धार्मिक उपलब्धि समझते हैं ओके okay? नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हैव अ नाइस डे